कैसे हो सर? बढ़िया सर, बढ़िया। प्याज तो आज प्याज में क्या बाजार खुला है सर? में बाजार सेम पोजीशन चल रही है, बाजार ग्राहक की नहीं है बिल्कुल भी, मंडी के अंदर ग्राहक नहीं है, बिल्कुल ओनली भी 50% ग्राहक है मंडी के अंदर। बिल्कुल। मैं भी, ये आपका लास्ट का वीडियो है, पूरी मंडी कवर करके आ गया। यही पोजीशन है कि ग्राहक की बहुत ही ग्राहक कमजोर। बहुत ही कमजोर है हर चीज में, एक प्याज का मामला नहीं है इसमें, नहीं नहीं आलू नहीं में भी, हर चीज आलू में, लहसुन प्याज सभी में ऐसा ही है। हर चीज में कमजोरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, सर जैसे उसका कारण क्या है? कुछ आवक ज्यादा हो गई है? नहीं आवक नहीं है कुछ, बिक्री पता नहीं बिक्री क्या हो रहा है, एक तो मौसम साथ नहीं दे रहा है। अच्छा जी, सुबह शाम थोड़ा मौसम ठंडा रहता है, दिन में उमस हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बिक्री बनी नहीं पा रही है किसी की, जो बिक्री इस समय होनी चाहिए थी वो बिक्री नहीं है। बिल्कुल सर। तो जैसे आज की बात करें तो आज कितना ऊपर में बिका है सर? आज भैया ऊपर में तो ये भी बढ़िया माल तो अभी बिक रहा है 24-25, बढ़िया माल में कोई टूटत नहीं है, हल्के माल में बिक्री नहीं होगी तो क्या बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया माल की डिमांड तो है इसमें, आलू हो, प्याज हो, लहसुन हो, कुछ भी हो। बिल्कुल सर। हाँ जी, और नीचे में क्या चल रहा है सर? नीचे में ये बिक रहा है जी 15-16 रुपये, 15। और सर चोपड़ा वगैरह सर? चोपड़ा बिक रहा है जी 11 रुपये से लेके 15 रुपये तक, ठीक है। माल की क्वालिटी कैसी आ रही है सर? थर्ड क्वालिटी आ रही है जी माल तो, ये लगा लो बस, सुबह कुछ है, शाम को कुछ है, दिन में कुछ है। बिल्कुल। सर जैसे महाराष्ट्र वाला प्याज है उसमें भी चोपड़ा बहुत ज्यादा फिर से आने लग गया है सर। चोपड़ा तो बन ही गया ना भाई साहब, बढ़िया चोपड़ा माल तो आईने पड़ते नहीं है मंडियों के अंदर, बिल्कुल पीछे बिल्कुल 20-21 रुपए के बाजार है बढ़िया माल तो। बीच में सुधर गए थे, चोपड़ा भी थोड़े कम आ गए थे और अच्छी क्वालिटी का चोपड़ा आ रहा था। देखो पीछे बाजार जो बढ़िया सुपर माल के हैं वो 20 से 22-23 रुपए के बाजार, बिल्कुल 20 वाला माल भी यहाँ के 26-27 रुपये पड़ता है, बिल्कुल यहाँ सर की मंडी है 24-25 रुपये ऊपर में जो बढ़िया माल की है, तो बिल्कुल। पड़ते हैं नहीं, एवरेज माल में पड़ते हैं, एवरेज माल आ रहे हैं, एवरेज माल बिक रहा है 16 रुपये से लेके 21 रुपये तक, 16 से 21 का एक बाजार है। ज्यादातर माल बिक रहा है 17 रुपये से 20 रुपये। अच्छा जी सर। हाँ जी, और सर बात करें अगर नासिक वाले की तो कितनी आवक आज नासिक की? मंडी के अंदर आवक आज 22 गाड़ियां हैं जी नासिक नासिक। नासिक की 6 6 MPA कंट्रे है, अच्छा जी। 16 मथानियां हैं और 15-20 पिकअप छोटी मत, ये कुचा में लगाए छोटे साधन है, तो टोटल कितनी गाड़ियां हैं सर? टोटल आज थोड़ी आवक कम है आवक कम है लेकिन आज, बिक्री भी बहुत कम है, क्योंकि माल पहले बैलेंस नीचे बैलेंस उतरा बहुत ज्यादा ज्यादा पड़ा है, हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। सर जैसे एमपी के माल की बात करें या एमपी साइड जो अपना राजस्थान का लगता है झालावाड़ साइड का, वो प्याज भी अच्छी क्वालिटी का नहीं आ रहा है? एमपी के जो कलरदार माल आ रहे हैं वो तो आज भी 22-23 रुपए के माल बिक रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल कल हमारे पास एक गाड़ी बिकी 23 रुपए किलो बिकी थी, एक एंटर आया 23 रुपए किलो बिका था, बिल्कुल सर आज एक एंटर आया था वो बिका 16 रुपए से लेकर 21 रुपए तक, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें 6 लाट थे, अलग अलग भाव बिके हैं। हल्की क्वालिटी ज्यादा आ रही है सर। बढ़िया माल तो है नहीं भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया माल बिल्कुल तो आज भी बाजार में कोई कमी नहीं है, देखो उनके बिल्कुल बढ़ते भी है, बिल्कुल एमपी के बिल्कुल। अंदर आओगे बढ़िया हुई वहाँ भी 19-20 रुपए बाजार है, यहाँ पे 22-23 रुपए बिक जाए तो कोई टोटा नहीं है उनको बढ़िया माल में। बिल्कुल। और सर जैसे आज एमपी में रतलाम की बात करें तो रतलाम में भी अच्छी खासी आवक नजर आई है। हर जगह रतलाम में हुई, आप इंदौर में देख लो, उज्जैन बिल्कुल मंडी देख बिल्कुल। लो, आप मंडिया फुल है। बगदावर देख लो, काफी मंडियों में देखो, हर जगह आके बढ़ी हुई है माल, बिल्कुल। हल्के अब किसान कहाँ लेके जाए बेचारा, किसान तो मंडिया में लाएगा लाएगा, जो बिक रहा है वो बिक रहा है, किसान घबरा चुका है अब घबरा और माल समय नहीं है, निकाल। घबराने बिल्कुल की बात तो बिल्कुल। ये है, समय कितना रह घबरा गया भी डेढ़ रहा है ना महीना सर, क्योंकि अब माल हल्का भी है और उसको रोक भी नहीं पाएगा। बिल्कुल अब रुक ही नहीं सकता, डेढ़ महीना रह गया और 15-20 दिन के बाद ठंडक पड़ जाएगी, वो बिल्कुल किला बिल्कुल जामना चालू हो जाएगा। बिल्कुल सर। हाँ जी, तो सर क्या उम्मीद लग रही है आपको सर? उम्मीद कुछ भी नहीं देख रहे, जो मिल रहा है किसानों को बेच के दूर हो जाए, बिल्कुल बढ़िया माल है वो आराम से निकालता रहे, अभी समय है 1.5-2 महीने, बिल्कुल उनको बिल्कुल मिल जाएगा मौका बढ़िया माल का, बिल्कुल एवरेज बिल्कुल। माल उनको बेच दो बस। सर नया जैसे प्याज की बात करें तो नया प्याज भी आज कल गाड़ी आई थी। एक गाड़ी कल आई थी, एक गाड़ी परसों आई हाँ थी, जी हाँ लेकिन जी उसमें उठान नहीं, रुझान नहीं दिख रहे इतने, बिल्कुल बिल्कुल हाँ सर। वो भी आधी आधी गाड़ी बिकी है अभी तक, क्लियर गाड़ी वो भी नहीं बिकी है। हाँ देखा है मैंने तो, हाँ, पर उसमें ग्राहकी अच्छी है, मतलब कि जो बिक अब रहा है तो 26-27 रुपए के आसपास बिक रहा है। कोई भी चीज नहीं आती है मार्केट के अंदर, उसमें एक बार तो रुझान पड़ते हैं लेकिन बाजार के अनुसार नहीं बिक रहा ना, बिल्कुल अब बिल्कुल वही बात है, पुराने माल जो 18-20 रुपए ले जाके 30 रुपए किलो बिक रहा है, और इनको 27-28 के लेके इनको 40 रुपए बिक नहीं रहा है, तो बिल्कुल वही बिक बिल्कुल। रहे हैं, पुराने बिक रहे हैं, अभी नई की पकड़ इतनी बढ़िया नहीं है। सर जैसे एमपी किसान है वो कमेंट के माध्यम से ये भी बोलते हैं कि भाई माल है वो बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली में पहले भी लोग कह रहे थे कि 30% बचा है, पर अब 30% का डबल हो गया है सर। नहीं, 60% तो माल कहीं भी नहीं एमपी में नहीं है, ये तो बकवास वैसे करने की बात है, माल तो यही रहेगा 30 से 35% ही माल है पीछे भी, लेकिन सारे माल टोटली हल्के हैं, और हल्के माल ज़्यादा हैं सर। हल्के सारे हल्के बिल्कुल हैं, बिल्कुल ओनली सर 5% कोई 2-4-5% बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो सर अगर ये हल्के माल अगर लास्ट तक एंडिंग तक आए तो ये नए माल में भी इफेक्ट डालेंगे सर?
ये अब ये 1-1.5 महीने में क्लियर हो जाएगा। एमपी वाले पूरे भरमार दे रहे हैं, हर मंडियों में माल किसान भी आ रहा है, व्यापारी भी आ रहा है, और वहाँ की इंदौर साइड की मंडिया है, रतलाम, हर मंडियों में भरी पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिक रहे हैं कट पट के, हल्का बंदा जैसे भाव बिक रहा है। बिल्कुल, तो यानी आपकी बार जो किसानों को है काफी नुकसान है। नुकसान तो शुरुआत से ही आपकी बार, बिल्कुल बिल्कुल, रोग भी शुरुआत में लग गया था, शुरुआत ये पहले बरसात ने मार दिया, फिर ये दागी अपन का हो गया, जिन्होंने 100% स्टॉक किया होंगे 40 से 50% निकला, 50% तो खराब, फेंकड़े में गया, चौपड़े में गया, सब कुछ ऐसे गया। अब यह तो नुकसान ही नुकसान है, अगले को 20 रुपए, आज किसान को 20 रुपए किलो का भाव मिलता है तो ये नुकसान में ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो प्लस में नहीं है, माइनस में। हाँ अगर पूरा का पूरा माल बच जाता तो 20 रुपए में फिर फायदे में था, अरे 15 रुपए में फायदे था वो। हाँ बिल्कुल, और अब 50% माल खराब हो चुका है तो 50% तो निकल गया उनके हाथों से, 20 रुपए यानी 40 रुपए आप बिके जब उनका निकल गया, वो भी तो कबाड़े के भाव बिका भैया, सीजन के सीजन पे क्या बिका था, 2 रुपए से लेकर 6-7 रुपए का बाजार था मंडिया। तो सर ये जो मार्केट डाउन है इसका सीधा सीधा मैं आपको, मेरे हिसाब से जो 40% वाला जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी वो लगाने पर भी हुआ है सर। नहीं एक बात बताओ आप, पहले जब 40% ड्यूटी नहीं थी, 40% ड्यूटी नहीं थी उस समय हमारे इंडिया से 350-400 गाड़ी जाती थी, आज भी 150-200 गाड़ियाँ जा रही है सर। मेरी बात तो सुनो, 350-400 गाड़ियाँ जाती है, 100-200 गाड़ियाँ अब भी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 100-200 तो कम हुई है, इससे असर नहीं पड़ा कि माल लोगों ने स्टॉक हल्के ज्यादा कर रखे थे। बिल्कुल, जो अब स्टॉक निकल के आ रहे हैं वो हल्के माल मंडियों में आ रहे हैं, वो चाहे शुरुआत में हो चाहे अब हो, तेजी हो चाहे मंदा हो, हल्के माल हल्के भाव ही बिकेंगे, और बढ़िया माल आज भी 24-25-26 बिक रहा है तो अभी भी नुकसान नहीं है। बिल्कुल, उस समय 28-30 का बाजार हुआ जब 40% ड्यूटी नहीं लगी थी, आज 26-27 रुपए का बाजार, 25-26 का बाजार है। बिल्कुल बिल्कुल, तो नुकसान तो गया नहीं। सर अगर जैसे वो आप 50% बता रहे हो कि आज भी 50% जा रहा है माल, 50% अगर और जाता तो ये जो अपना स्टॉक है वो थोड़ा जल्दी निकल जाता, हल्के माल तो वहाँ भी नहीं लेंगे ना, हल्के माल नहीं अगर अच्छी क्वालिटी का वहाँ निकल जाता तो यहाँ पे जो हल्के माल है तो भाई साहब उसकी डिमांड बन जाती है। बढ़िया माल की डिमांड तो आज भी हमारी मंडियों में, हर मंडियों में है, तो बढ़िया माल है नहीं ना। वही बात, ये बाजार टूटने का कारण क्या है, हल्के माल ज्यादा, हल्के माल ज्यादा, हल्के और बढ़िया में कितना डिफरेंट आ गया, एक माल बिकता है 14-15, एक बिकता है 24-25, 10 रुपए किलो का डिफरेंट बहुत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो सर क्या देख रहे हो सर, बाजार आने वाले समय में कहाँ तक जाएगा, या इस महीने जाए या अगले महीने में कहाँ तक उम्मीद? अभी कोई उम्मीद नहीं बता, अभी ना लगा सकते नहीं कुछ कह सकते, माल है किसानों को यही कहेंगे अपने निकालते जाओ, जितने जल्दी हल्के माल सुलटेंगे, और बाद में जितना कम माल बचता है तो कोई 10-15 दिन उनको मौका भी मिल जाए। बिल्कुल, नहीं पक्की नहीं कह सकते कि बाजार के हालात है कि मंडियों में बिक्री है, 2 दिन बिक्री बढ़ती है, 3 दिन बिक्री टूट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिक्री अभी बहुत स्लो हुई है। बिल्कुल, 2 दिन से माहौल ऐसा हुआ तो बिक्री स्लो है, अगर बिक्री में आज दम हो तो बाजार ऑटोमेटिक चढ़ जाता है, हल्के भारी हो हल्की भारी भाव बिक रहे हैं। दिल्ली में क्या माहौल है सर? दिल्ली भी सेम पोजिशन है जी, दिल्ली भी यही बिक रहा है 700 रुपए से 1100 रुपए तक। अच्छा जी, वही मंडी हर मंडिया बोल रही है, यहाँ से 1.5 रुपए किलो भाड़ा तो तेज है वहाँ पर। बिल्कुल, जो जयपुर मंडी बिक रहा है वही दिल्ली मानो आज के टाइम पे। बिल्कुल सर, तो सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं सर। कॉन्टेक्ट नंबर 8708871652, नाम नरेंद्र वेजी फूड एंड कंपनी, A6 मोहाना जयपुर। चलो जी, धन्यवाद सर। ओके सर।